फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग ATSM को कैसे यूज करते हैं वो जान लेते हैं। इस क्लास में तो ATSM में आपको मतलब 80 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो योलो लाइन है ATSM का है, इसको आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में प्लॉट करना है। मतलब आपको इसको 30 मिनट्स में देखना है। इसमें क्या देखना है, अगर 80 SMA के ऊपर स्टॉक चल रहा है तो आपके लिए बाई जोन है, अगर 80 SMA के नीचे स्टॉक चल रहा है तो आपके लिए सेल जोन है। इसका मतलब क्या है, अगर 80 SMA के ऊपर स्टॉक चल रहा है तो आप उस टाइम सेल नहीं करोगे क्योंकि वो बाई जोन में चल रहा है। अगर 80 SMA के नीचे चल रहा है स्टॉक तो उस टाइम आप बाई नहीं करोगे क्योंकि वो सेल जोन में चल रहा है। जैसे इस स्टॉक में टाटा कम्युनिकेशन में आप देख सकते हो कि ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली 80 SMA के ऊपर वो स्टॉक चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार के लिए 80 SMA के नीचे आया था तो सेल जोन कैसे कंफर्म करूंगा। अगर 80 SMA के नीचे कोई कैंडल आगे क्लोज होगा, 80 जोन के नीचे आके कैंडल अगर कोई क्लोज होगा तो ही मैं मान के चल सकता हूं अभी ये सेल जोन में आया है, अदरवाइज नॉट। जब तक 80 SMA के ऊपर कोई कैंडल जाके बंद नहीं होता है तब तक वो बाय जोन में एंटर नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पे 80 SMA के नीचे आके क्लोज हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 80 SMA के नीचे आके क्लोज हुआ तो ही मैं यहां से सेल कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। आप ऑटोमेटिकली देखिए, जब ये स्टॉक 80 SMA के नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली MACD भी देखिए वाटर लाइन के नीचे आ जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत कंबाइंड है। आगे जाके MACD का भी जिक्र करूंगा कैसे यूज करना है। तो सिंपल सी चीज है, 80 SMA के ऊपर अगर बाई होगा, स्टॉक चल रहा होगा तो वो मेरे लिए बाई जोन है। 80 SMA के नीचे अगर चल रहा है तो मेरे लिए सेल जोन है। ये हर वक्त मतलब चाहे मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई लू, चाहे मैं 5 मिनट्स के हिसाब से बाई लू, अगर 5 मिनट्स में कोई स्टॉक आपको बाई दे रहा है मेरे फॉर्मेशन के हिसाब से, जो फॉर्मेशन मैं सिखाऊंगा, वो फॉर्मेशन आने के बाद अगर आपको लेना है वो स्टॉक तो तुरंत 30 मिनट्स में जाके 80 SMA के ऊपर स्टॉक चल रहा है या नहीं वो एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद ही लेना। अगर बाई करना है तो देख लेना कि 30 मिनट्स में 80 SMA के ऊपर स्टॉक प्राइस क्लोज होकर ऊपर चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो उसको बाई नहीं कीजिएगा। अगर वो 80 SMA के नीचे चल रहा है और आपको 5 मिनट्स बाई दे रहा है तो बाई मत कीजिएगा। दोनों क्राइटेरिया मिलना चाहिए। अगर बाई करना है तो 80 SMA के ऊपर स्टॉक को चलना होगा, अगर सेल करना है तो 80 SMA के नीचे स्टॉक को चलना पड़ेगा। और जो भी कैंडल 80 SMA के जाके एक कंप्लीट कैंडल क्लोज होना पड़ेगा तभी आप नेक्स्ट कैंडल से बाय कर सकते हो। अगर पहली बार वो कैंडल पहली बार नीचे से ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये जो कैंडल है पहली बार नीचे से ऊपर आके क्लोज हुआ है और सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको बाय दिखा रहा है, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग से आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो क्योंकि ये पहली बार आके ये जो कैंडल था इसने क्लोज लगा दिया है 80 SMA के ऊपर, तो आप नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग से बाय कर सकते। अभी एक प्राइस एक कैंडल 30 मिनट्स का ये 80 SMA के ऊपर आके क्लोज हो चुका है, मतलब अभी स्टॉक 80 SMA के ऊपर है तो आपको बाय जोन एंटर हो चुका है, तो आप बाय कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा 80 SMA का सिंपल नॉलेज जो आपको हर स्ट्रेटेजी, जितने भी मैं स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा उसमें 80 SMA 30 मिनट्स में जाके देखना ही पड़ेगा कि क्या वो स्टॉक 80 SMA के ऊपर है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स,